पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आपसे बेसिकली एक पर्सनालिटी को लेकर पूछी गई एक चीज। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बताएं कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स दी हैं किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही है। तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज डिमांड साइड थ्योरी दैट फोकसेस ऑन चेंज इन द इकोनॉमी ओवर द शॉर्ट रन। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो डिमांड साइड थ्योरी को कंसिडर करती है और फोकस किस पे रहता है कि जो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे चेंजेस इकोनॉमी के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज द मेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इस व्यक्ति इस इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की मेरिट्स होती हैं। हिज इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन यूजिंग एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, तो एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी को भी यूज किया जाए, तो ये भी थ्योरी के अंदर बताया गया है, टू मैनेज द एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू एड्रेस और प्रिवेंट इकोनॉमिक रिसेशन, ताकि जो आपकी इकोनॉमिक रिसेशन जैसी इंसिडेंसेस हो सकते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए तो अभी यहां पे जो बात करी है जेम केन्स के बारे में बात करी गई है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका काफी आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर स्टैटिक पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया था, आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी मिल जाएगा। और करंट के जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है वो तो हम देखते ही रहते हैं, तो यहाँ पे केन्स के बारे में बात करी गई है। मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले इसी तरीके के क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर मार्क्स था, वहां पे एक दो स्टेटमेंट्स पूछ रखी थी, आई थिंक एक ही स्टेटमेंट थी पूछा गया था कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया। सो कार्ल मार्क्स वॉज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे केन्स के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। देख लेते हैं एक बार, ये न्यूज में था अभी, दैट्स वाई क्वेश्चन जो है बनाया गया, और वैसे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर भी इनके बारे में मेंशन किया गया है। केनेशियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको कई बार डिप्रेस्ड या डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, एंड डिप्रेशन इकोनॉमिक्स कहने के पीछे जो रीजन है वो भी यही है कि इनका जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और अपनी जो थ्योरी को डेवलप किया था वो डिप्रेशन के टाइम पर ही किया था। दैट्स वाई केनेशियन थ्योरी को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और ये चीज एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि किसकी इकोनॉमिक्स को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स के तौर पर देखा जा सकता है या कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान रखिएगा, इनको लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर भी दिए गए, तो ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिए। चल